के बाद हो रहे नाटक पर शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री समेत कई विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल वीपी बदनौर को मेमोरेंडम सौंपा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि कर्नाटक में भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कर्नाटक का वाकया होया ओदे बारे असी राष्ट्रपति जी दे नाम एक इन्हां नूं मेमोरेंडम दित्ता कि ये फॉरवर्ड करन, उस जिहदे विच असी बड़े स्पष्ट तरीके नाल कहा है कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिता उहदे नाल कुछ बचत हुई है, लेकिन गवर्नमेंट के तौर पर गवर्नमेंट के वलों कोई कसर नहीं छड़ी टू बी इलीगल एंड टू बी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं लोकसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि संविधान मुक्त भारत चाहती है। अज साडा जिहड़ा मेमोरेंडम ऑनरेबल गवर्नर साहब नूं दे के आए हैं राष्ट्रपति महोदय वास्ते, उहदे विच कांग्रेस पार्टी का मनना है भी जो कर्नाटका दे विच होया है कल या दो दिनों तो जो गवर्नर साहब ने येडियुरप्पा जी नूं बुला के लोकतंत्र का ते संविधान का कहाण किया, उहदे नाल एक गल स्पष्ट हो जाती है कि जो बीजेपी कहती है भी असीं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, वो असल दे विच कॉन्स्टिट्यूशन मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ातियां उहदे खिलाफ, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने अज बहुत वधिया फैसला दिता है भी 15 दिन ना दे के 30 घंटे के अंदर अंदर ये कोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए।